बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर MPA उमर तनवीर भट्ट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कल की आपकी जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने के लिए कैसी तैयारी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। लोग खुद आके वॉलंटियरली अपना नाम लिखवा रहे हैं। इनिशियल मरहले में हम सिर्फ 200 लोगों के साथ गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं, जबकि आज फैसला ये था कि 5 MPAs जाएंगे, लेकिन 13 के 13 MPAs इस वक्त तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए। इंशाल्लाह ताला कल 4:05 पर आप देखेंगे पिंडी शहर पूरे की मौजूदगी में ये 13 MPAs और उनके साथ 200 कारकुन ये गिरफ्तारी पेश करेंगे अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर। उमर सर, क्या आप देखते हैं कि जो जेल भरो तहरीक का जो से असरात है मुआशरे पे, ये मुस्बत असरात पड़ने जा रहे हैं या फिर मनफी असरात पड़ने जा रहे हैं? इसका कोई मनफी असरात नहीं है, ये एक तरह से एक्सट्रीम स्टेप है। कोई दुनिया का शरीफ आदमी जेल नहीं जाना चाहता। अगर हम इसके लिए तैयार हुए तो उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आइन और कानून की जो पामाली इस वक्त पाकिस्तान में जारी है उसको ख़त्म करने के लिए हम ये अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हम अपने बीवी बच्चों फैमिली सब इस चीज़ के लिए हमारे तैयार हैं कि हम ये कुर्बानी पेश करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक ऐसे मुल्क के अंदर रह सकें जहाँ पर इंसाफ की हुक्मरानी हो। सर क्या समझते हैं आम इंतखाबात का साल है 2023 का, और क्या जेल भरो तहरीक से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ले लिया जाएगा? देखिए, एक सिविलाइज तरीका है, एक पुरमन तरीका है एहतजाज करने का। सारी दुनिया में ये राइज है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके हम एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ इस कौम की उमंगों की तर्जमानी करने के लिए। हम अपनी कुर्बानी सबसे पहले सामने रख रहे हैं अपने कायद के हुक्म पर, और मुझे उम्मीद है इसका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। थैंक यू सो मच।